जय हिंद सरकार, नमस्कार। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे 48 घंटे में, ये लिखा था मैंने टाइटल में और कोई गलत नहीं लिखा था। ये पूरी तरह से पॉसिबल है और होता है ये, और इसका एक और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ट्रेंड को पकड़ना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप जान जाएंगे कि क्या चीज़ ट्रेंड में है। आपको दो तरीके बताने वाला हूँ और इन तरीकों को देखने के बाद कहीं मत जाइएगा। जिस तरह से हर एक कहानी की एक मोरल होती है, जिसे अंत में बताया जाता है, उसी तरह से मैं आपको अंत में इस कहानी की, आज वाले इस वीडियो की बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। जो भी हो, एंड तो आपने देखना ही देखना है। तो दोस्तों, लौटते हैं ट्रेंड पर। 48 घंटे में अपने चैनल को बूस्ट कर लेना, अपने चैनल को यहाँ पहुँचा लेना। 1000 सब्सक्राइबर तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो उतने घंटे ले आता है जितने की हमें लाइफ टाइम में, गूगल की जो शर्त है कि लाइफ टाइम में आपके 4000 घंटे, लाइफ टाइम पहले हुआ करता था, सॉरी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, 12 महीनों के अंतराल में 4000 घंटे, उतने तो एक वीडियो ले आता है। और मैंने बिल्कुल सही कहा था आपको, ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है ट्रेंडिंग वीडियो बनाना। तो ट्रेंड का पता कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। अब हमने बातें बहुत कर ली, सीधा काम पर चलते हैं। और काम स्टार्ट होता है एक वेबसाइट से। वेबसाइट किसकी है? खुद YouTube की, Google की। उस वेबसाइट का नाम है Google Trends। तो आप अपने मोबाइल पर खोल लेंगे दोस्तों Google Trends। तो देखिए दोस्तों, Google Trends खुल चुका है। अब आप ऊपर एक ग्लोब का निशान देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है सबसे पहले, क्योंकि ये Google है, सर्वव्यापी है, पूरे संसार में चलता है, तो ये सभी का ट्रेंड दिखा रहा है। हमें सभी का ट्रेंड नहीं देखना, हमें तो सिर्फ इंडिया का ट्रेंड देखना है। तो आप उस ग्लोब पर क्लिक करते हुए इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अब ऐसा करना है, हम स्क्रॉल करें, अभी हम कुछ नहीं लिखते, स्क्रॉल करते जाएंगे। तो देख लीजिए रिसेंटली ट्रेंडिंग, तो देख सकते हैं PBKS वर्सेज RR होना ही था, और दूसरा है LSG वर्सेज KKR। तो देखिए यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि इसको ट्रेंड बिल्कुल सही पता है, इस पर शक करने की आवश्यकता नहीं है सर, ये गूगल है, जस्ट किडिंग। तो ये है जनरल ट्रेंड्स। देखिए अब हमें इस सर्च को नैरो करते हुए, मतलब कि हमें हम इसे मोड़ घेर के हमारे टॉपिक की तरफ लेके जाना है। तो कैसे करेंगे ये सब? अब जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, हम लेते हैं PANEER, पनीर, सिर्फ पनीर ही ले लेते हैं, हम रेसिपी भी नहीं लेते, देखते हैं क्या आता है। स्क्रॉल करेंगे, दिल्ली में पनीर का ट्रेंड जो है, जो कीवर्ड की बात कर रहे हैं, पनीर जलेबी, यहाँ पर लिखा आ रहा है पनीर जलेबी, ये चीज़ ट्रेंड में है। फूड, अगर आपका फूड कैटेगरी का चैनल है तो पनीर जलेबी जो है 80% ट्रेंड में चल रहा है। और जलेबी है, प्रोटीन है, एग वाइट है, इससे रिलेटेड वीडियोज आपको बनाने चाहिए। इसे थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं, देखिए नीचे रिलेटेड क्वेरी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है राइजिंग, इसका मतलब ये बढ़ रही हैं, इन पर जो है सर्चेज धीरे धीरे तेज़ हो रही हैं। क्या है? पनीर फूल यूज, पनीर फूल बेनिफिट्स। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का चैनल है तो AC देख लेते हैं। आप कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं कि ये वाला एयर कंडीशनर लेना चाहिए, एयर कंडीशनर से पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं एयर कंडीशनर। ये हमने ले लिया यहाँ से। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ को समझिए, ये ग्राफ ये आपको बताता है कि इसका ट्रेंड जो है इस टाइम पीरियड में। ऊपर देखिए आप लिखा है इंडिया पास्ट 12 मंथ्स, यहाँ से आप इसको फिल्टर को करते हुए यहाँ से कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, पीरियड 12 महीने की बजाय महीना कर सकते हैं, कैटेगरी भी जो है। आपने एयर कंडीशनर किस में सर्च करना है? सेल्स में भी तो होते हैं ना, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग के लिए करना है, सेल के लिए करना है, और भी कई सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सर्च करना है तो वो कैटेगरी ले लीजिए आप। और यहाँ से गूगल प्रॉपर्टी, ये अच्छी चीज़ है, मैं बताना भूल गया, यहाँ से आपको YouTube सर्च ले लेना है, गूगल पे हमें नहीं करना, हम यहाँ YouTube सर्च ले लेंगे। तो ये हुआ। अब ऊपर देखिए आप क्या लिखा है, इंडिया 12 महीने और YouTube सर्च। इस पर ये ग्राफ बताता है कि पिछले 12 महीनों में YouTube पर ये जो सर्च आपने डाल रखी है ऊपर एयर कंडीशनर, इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ा है। और आप देखिए अब ये ऊपर जा रहा है, वजह पता है आपको, गर्मियां हैं। तो ये बताता है कि अब इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, हर साल इसी वक्त इसका ग्राफ ऊपर जाता है। लेकिन अब इसमें खास चीज़ें जो हैं वो क्या है, जो खास टर्म्स हैं वो क्या है? बेस्ट एयर कंडीशनर 2022। यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है जी
ट्रेंडिंग, इसे ही कहते हैं असली ट्रेंडिंग। मतलब कि ये वो टर्म है इस जो आपने ऊपर सर्च टर्म लिखी है उससे रिलेटेड जो कि ब्रेकआउट हो रही है। तो दोस्तों एग्जांपल जो चाहे हो, आपको तरीका समझ में आना चाहिए, आपको इन बातों का मतलब समझ में आना चाहिए। राइजिंग का मतलब है कोई ऐसा विषय जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, और ब्रेकआउट का मतलब जो कि एकदम से चर्चा का विषय बना हुआ है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे बेस्ट CPU। आप कन्फ्यूज हैं कि आप CPU पर वीडियो बनाएं या फिर कंप्यूटर पर वीडियो बनाएं, तो ब्लू का ग्राफ ज्यादा है, इस तरह से आप अपना टाइटल सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला तरीका। दूसरे तरीके पर चलते हैं। जैसे कि आपको अभी अभी पता चला कि आप गूगल ट्रेंड से कोई टर्म को सर्च कर सकते हैं और उस पर वीडियोस बना सकते हैं, तो इसी टूल को यूज़ करते हुए बहुत सारे क्रिएटर्स, जिनमें से आप जैसे क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, आप जैसे से मेरा मतलब है कि हमारे लेवल के, जिन्होंने अभी, अगर आपने महीने पहले शुरू किया है तो बहुत सारे क्रिएटर्स वे वाले जिन्होंने महीने पहले शुरू किया है, बहुत सारे क्रिएटर्स वो वाले जिन्होंने 6 महीने लगा दिए, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी, साल वाले, 2 साल वाले, और कुछ बड़े क्रिएटर्स सभी ये यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरी के 5-7 अच्छे यूट्यूबर्स, अपनी कैटेगरी वाले, उन्हें सब्सक्राइब करके रखना है और उनके वीडियोस, मैंने इस पे बड़े ही डिटेल से एक वीडियो बनाया है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने दिन के एक खास समय पर उन सभी के वीडियोस देखने हैं और पता करना है, देखना है, एनालिसिस करना है कि इन सब में क्या कॉमन है, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो कि सब ने कवर किया है, वही टॉपिक है ट्रेंडिंग टॉपिक, उस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो आप इस तरह से 2 तरीकों से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता कर सकते हैं। बहुत सारे और भी तरीके हैं, एडवांस तरीके हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उन पर भी वीडियो ले आएंगे, लेकिन ये 2 तरीके जो हैं जो बड़े ईजी हैं और एक स्टार्टर के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मॉरल की, अब बात करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन की। आप जो भी तरीका इस्तेमाल कर लें, हो सकता है आपको सफलता मिले, हो सकता है आपको सफलता न मिले। सफलता मिली उसके पीछे का रीज़न है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, और सफलता नहीं मिली इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात पर एग्री रहना है अपने आप से कि हाँ, मेरे साथ अगर ऐसा नहीं हुआ जो बाकियों के साथ होता है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं मुझ में कमी रही होगी, और ऐसा ही होता है, मानिए बात, ऐसा ही होता है। आपको आज इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझ आई तो यस लिखिए, नहीं आई तो नो लिखिए। अगर कोई सवाल है तो सवाल दाग दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ बड़ी जल्दी ही। वीडियो अच्छा लगा है तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि आपको इसे लाइक तो करना ही है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट यहाँ मिलता रहता है। कोई जल्दी नहीं है, आप चैनल पेज विजिट कर प्लीज़ वेरीफाई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में बड़ी जल्दी ही। जय हिंद।